क्यों बनाए? तो चचा ने जवाब दिया, मौलाना तुम लोग नए पढ़े लिखे हो, तुम लोग नहीं जानते हो, हम दो बार वजू इसलिए बनाए कि एक टूटेगा तो कम से कम एक बचेगा ना। आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं ना है? अगर जरा सा कोई मसला नहीं है तो जरा मुस्कुराते रहिए। कोई जब शेर अच्छा पढ़े तो उसका रिस्पांस देना चाहिए। शायद पढ़ता नहीं है, आप पढ़वाते हैं। अगर आपने मिजाज बना दिया तो शायर की मुकम्मल तौर पर अलमारी खुल जाएगी, एक से एक कलाम निकलेगा। बहुत बड़े बड़े लोग शायर हैं, देख रहे हैं कितनी ऊंची टोपी पहने हुए हैं। शायर इस्लाम जनाब तौकीद अज़ाहिर आबादी, टोपी से ही अंदाजा हो गया अमेरिका, रूस और मैं जापान की टोपी। सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। शर्म में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। अल्लाह सलामत रहे। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायर लोग ही को मामला ठीक ठाक होना चाहिए, अनाउंसर लोगों को क्या जरूरत है? आप लोग समझदार आदमी हैं, आप लोगों को इतना तो मालूम है कि शायर लोगों के बाल बच्चे दाल भात खाते हैं तो क्या अनाउंसर का बच्चा हवा पीता है? ये आपने 10 रुपया दिया, मैं इसको लेके जाऊंगा, सुबह ट्रेन में काम आएगा। आजकल जिहारी में इतना स्टैंडर्ड हो गया भाई, जब तक 10 रुपया नहीं दोगे आगे बढ़ता नहीं। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाक कर मैं वहाँ उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा कि माफ कर दो, तुम जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। कहा माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। फिर धीरे से उसने कहा भूखे पर करम कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 2 रुपया दीजिए। वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। नहीं होना चाहिए, जहां बैठे अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए, अपने एहसास के तर्जमानी कीजिए। मैं सिर्फ 2 मिसरा पढ़ के देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का वो अदीब जिस पे तमाम नाज़िमों को नाज है, जिस पे तमाम नाज़िम फख्र करते हैं, जिस पे अंजुमनें फख्र करती हैं, जिस पर जमातें फख्र करती हैं, अल्लामा डॉक्टर तारिक अनवर साहब, जो हमारे हम जैसे नाज़िमों के सरबराह आला है। अब अल्लाह का शुक्र है सदियों के भी सरबराह आला होते जा रहे हैं। इनसे हवाले से 4 मिसरा पढ़ता हूँ, सुन के बताना सुन के। अगर एक वक्त में एडवांस में बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मैंने इतनी मेहनत की, आवाज बुलंद होना चाहिए, जरा लगा के बोले सुभान अल्लाह। डॉक्टर तारिक अहमद साहब अख्तर भाई अल्लामा साहब देखेंगे, मैं मिसरा पहुंचाता हूँ, अगर अच्छा शेर नहीं लगा तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर मिसरा समझ में आ जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। सुनिए नौजवानों की टीम इधर देखो, गुटखा मत खाओ, जो गुटखा खाता है 1.5 साल में जाता है, जो गुटखा खाएगा 1.5 साल में जाएगा। फैसला आपके यहाँ, 1.5 साल तक रहोगे कि कयामत तक रहोगे? सुनो सुनो, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। सुन के बताना सुन के बताना, मैंने थोड़ा 2 मिनट का टाइम ज्यादा ले लिया मगर मजबूरी है, आपका मिजाज जब खुल जाएगा जमाल अख्तर बैठ जाएगा। सुनो कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल। ये नौजवानों की टीम आगे बोल रही है, अब जरा पीछे वाले भाई भी अपनी मोहब्बत दर्ज कराए। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। आइए जरा इस वक्त मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान का एक लौटा ले जाओ, बहुत मोहब्बत के साथ नबी की नाद पढ़कर अक्सर मुशायरे जलसों को आबाद करने वाला, आप जैसे सामईन की समातों पर मुस्कुराहट के रक्स बिखेरने वाला एक ऐसा लहजा जो रहता तो मुजफ्फरपुर में है मगर रहता मुजफ्फरपुर में नहीं है, हिंदुस्तान के अक्सर गोशों में अपनी मोहब्बतों के ऐलान करता फिरता बढ़ता है। नबी की नाद या शायरी का सिक्का शऊर की मामलिकत में राइज करता है। मोहतरम जनाब भाई,
भाई शायर इस्लाम तौकीर रजा इलाहाबादी से आप कलाम सुन लें, उसके बाद हिंदुस्तान का अजीम खतीब खतीब बेबाक मुकर्रर लाजवाब खतीब फिक्र फन का आफ्ताब खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हजरतुल अल्लामा डॉक्टर तारिक अनवर साहब भागलपुरी सुम्मा दहलवी मेंबर शरीफ पर हाजिर है, उनका खिताब नायाब होगा। शायर इस्लाम तारिक अनवर आपके बीच आ रहे हैं, जरा हाथ उठाकर नारा बुलंद कीजिए, पहले उठाइए तब लगाएंगे। बहुत बहुत समझते हैं आप लोग, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है दुआ कर रहे हैं, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, दरअसल में जिसको दुआ दे रहे हैं तुरंत कबूल हो जाएगा। हाँ ये भी एक करामत है, बाद में मत अफसोस कीजिएगा। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है, देखिए एक मौका और उठा लीजिए, उठा लीजिए, बहुत जल्दी दुआ कबूल हो जाती है, दिल से की जाती है तब। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है उसके हाथों में कुव्वत अब्बास का सदका अता फरमा, मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा। अब जरा हाथ उठ गया है तो लहरा दीजिए, जो नहीं बोला है एक फैट धर के कल फड़ फड़ के जमा दीजिए, पता जान देंगे पगला पहले हाथ तो दे। नारे तकबीर नहीं चलेगा, ये कौन जगह है भाई? खैरवा पाड़ा नाम का नाम, गांव का नाम, इतना पहाड़ी और आवाज इतने धीमे, ऐसा बोलो कि दुश्मनों को मालूम हो जाए कि अब नबी का गुलाम बेदार हो चुका है। नारे तकबीर थोड़ा सा सोनो बढ़ा दीजिए भैया, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, बहुत बढ़िया माइक सजाया है, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम लोगों को इनाम मिलता है, ये 30 रुपया मिला भैया, ये 20 रुपया आप ले लीजिए, बहुत अच्छा माइक सजाया है, लीजिए भैया लीजिए, ये बाबू दो दो दो, बहुत अच्छा माइक भैया, अल्लाह सलामत रखे। ये पहला माइक बना है जो लेके रख लिया, वरना अल्लाह का समाज पर जितना दिए हैं माइक वाला लगा के दे दिया है हमको, तेरे बहुत अफसोस हुआ भाई साहब, अच्छा है मोहब्बत का माहौल बन गया, थोड़ा सा काफी है। अब बुलंद आवाज से मुस्कुरा के ठीक हो गए हैं तो एक मरतबा फिर बुलंद आवाज का नारा, ताकि फेफड़े की पूरी बीमारी बाहर हो जाए, जिसकी जितनी ताकत होगी अल्लाह का नाम लेने में बीमारी जल्दी ठीक होगी। कभी आया नहीं एक ऐसा शख्स जिसके जिस्म का साया आया।